हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी पर। और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। आज हम लापवाहनी के रिवीजन क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक समझेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए भी दिया था, तो आप में से काफी लोगों ने उसका जो है आंसर बताया है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से हम उसी देखेंगे और फिर उसके बाद उसका लेवल बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक अलमारी 6,250 रुपए में खरीदता है एवं अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपए खर्च करता है, ठीक है ना? तो कितना हो गया उसके बाद उसका क्रय मूल्य जो है, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो 5, 7, 5, 12 का 2, 8, 1 हो गया 3, 2, 5, 6, 6, 6,625 रुपए जो है वो वहां पर इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब वो क्या करता है कि इसको इसके बाद वो 6,890 रुपए में उसको बेच देता है, रिसेल कर देता है, 6,890 रुपए में उसको विक्रय कर देता है। दुकानदार को हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीधी सी बात, 6,250 रुपए की उसको पड़ी वस्तु, और 6,890 यानी कि ज्यादा में बेच दी है तो लाभ हुआ है, ठीक है ना? कितने का लाभ हुआ है, कैसे करेंगे? विक्रय में से क्रय को माइनस करके। तो 6,890 में से 6,625 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है ना? और ये 3 हो जाएगा, देन 6, 2, तो 265 रुपए यहां पर जो है वो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज आपको निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो 265 बटा क्या आएगा, क्रय मूल्य 6,625 × 100, ठीक है ना? तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमेशा लाभ हानि हम क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से हम काटेंगे। चलिए 5 से काट देते हैं, 5×5 25, 1 बचेगा 15, 5×3 15, 5 से फिर काटेंगे, 5×1 5, 5×3 15, ठीक है ना? 1 बचेगा 12, तो 5×2 10, फिर 2 बचेगा 25, 5×5 25। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर चाहें तो हम इसको काट सकते हैं, 53 से अगर हम इसको काटते हैं तो 53 दुनी 2 बार कट जाएगा, 53 से 106 बचेगा, कितना 22 और 4 26 बचेगा, और 5 265, तो 53 से 265 अभी काटेंगे हम 5 बार, क्योंकि 5 से काटने पर 53 आया था, तो 53 से काटने पर 5 आएगा, तो 25×100। जैसे आप काटना चाहे वैसे आप इसको काट सकते हैं, ये मेरा अपना तरीका है। तो यहाँ पर 4% यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने लास्ट सेशन में इसमें किए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिफरेंट है इसमें, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना? तो 150 रुपए में उसने क्या किया, उस वस्तु को क्रय किया है। यदि ऊपरी खर्च 12% हो जाए, तो देखिए अभी ये फाइनल जो है क्रय मूल्य नहीं है, फाइनल कॉस्ट प्राइस नहीं है, 12% इस पे एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। तो अगर 150 पे हम 12% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से 150 पर अगर 12% हम निकालेंगे तो 18 रुपए यहां पर अतिरिक्त खर्च आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 18 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया, 150 में खरीदी, तो 150 + 18 हम करेंगे तो 168 रुपए फाइनल हमको क्रय मूल्य वस्तु का पड़ा। अब उसको किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, 10% उसको प्रॉफिट चाहिए इस पर। तो प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर। वस्तु कितने की है, 168 की, ठीक है ना? अब 10% प्रॉफिट चाहिए। देखिए 10% क्या है, प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज से मानने लग जाइए कि क्रय मूल्य को, किसको, क्रय मूल्य को अगर हमको परसेंटेज में मानना है तो क्या मानेंगे, 100%। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जुड़ेगा उतना परसेंट, और अगर हमको हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो उतना परसेंट इसमें से 100 में से माइनस होगा। तो 10% प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य 100 है, तो चूंकि प्रॉफिट है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। तो 100 और 10 110, तो विक्रय कितना हो गया, 110% हो गया। तो विक्रय यहां से डायरेक्ट हम निकालेंगे, 168 का 110% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 110% क्यों, 100% क्रय मूल्य, ठीक है ना, और 10% प्रॉफिट, देन विक्रय कितना हो गया, 110% हो गया। चलिए अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 168 का 110% अगर हम यहां से निकालते हैं तो 0 काट दिया, दशमलव लगा लीजिए। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, 11×88 का 8, 5×8 11, 66 66 और 8 हम करेंगे तो 74 का 4, 5×7 11×11 11 और 7 18, ठीक है ना? तो 184.8 जो है यहां पर, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो विक्रय कितना हो गया, 184.8 रुपए फाइनल आंसर है ना, सिंपल। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, पहले तो फाइनल क्रय मूल्य निकालिए, अगर उस पर एक्स्ट्रा खर्च जो भी लग रहा है उसको कैलकुलेट करके फाइनल क्रय मूल्य निकालिए, फिर उस पर प्रॉफिट या लॉस है तो उतना परसेंटेज वहां पर लगाकर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। चलिए और क्लियर होगा अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे, ठीक है ना? 100 संतरों की जो कीमत है वो कितनी है, 350
350 रुपए है। यदि 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो बेच दिए, ठीक है ना, इस मूल्य पर, तो वो क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है। और जबकि विक्रय कितना कर रहा है, किस भाव पर, 48 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है ना। हम जानते हैं एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, ठीक है ना, तो 12 पीस जो है या 12 संतरे जो है वो 48 रुपए की हैं, तो एक संतरा जरा मुझे बताइए कितने रुपए का होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हम 12 का भाग दे देंगे, 12 संतरे 48 के, तो एक संतरा 12 चौक 48, 4 रुपए का हो गया, 4 रुपए प्रति संतरा। ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य एक संतरे का। तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकालिए, अगर 100 संतरे 350 के हैं तो एक संतरा कितने का, 100 का भाग लगा दीजिए इसमें, 3.5 रुपए प्रति संतरा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। एक संतरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां 100 का भाग लगाएंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो का दशमलव आ जाएगा, 3.5 या 3.5 रुपए का हमने एक संतरा खरीदा और 4 रुपए का बेचा। तो एक संतरे पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने का फायदा होता है, 0.5 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है ना, और कितने पे, क्रय मूल्य पर, 3.5 पर। और चूंकि परसेंटेज में निकालेंगे इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दशमलव से दशमलव काटा, 5 7 35, 7 का भाग दे दीजिए यहां पर, 10 में देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 3 30, 7 चौक 28, बचा 2/7, तो 14 सही 2/7% का लाभ हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। सी और डी देखिए दोनों सिमिलर हैं, एक में हानि लिखी एक में लाभ लिखा है, तो ऑप्शन टिक करते समय विशेष सावधानी रखिएगा, ठीक है ना, वरना आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोई वस्तु है और उसका जो है क्रय विक्रय का अनुपात दिया है, क्रय का अनुपात दिया है और विक्रय, मतलब क्रय और विक्रय का अनुपात दिया है 20:21, ठीक है ना। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए अब इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। तो अब मैं इसमें हिंट दे रहा हूं आपको, केवल क्रय और विक्रय का अनुपात दिया है, तो आप काम कीजिए, क्रय को मान लीजिए 20 रुपए और विक्रय को मान लीजिए 21 रुपए, तो आपको यहां से लाभ निकालना है और लाभ का प्रतिशत निकालना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, ठीक है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। तो क्वेश्चन है अगला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 है। अब देखिए भिन्नों में जब भी बात होती है तो हम क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, एक, ठीक है ना, क्योंकि भिन्न हमेशा यहां पर बटे में दर्शाई जाती है, जैसे 5/8 है, तो अगर अंश जो है हर से छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी हो गई, और अगर अंश एक से हर से बड़ा होता तो वैल्यू एक से बड़ी हो जाती, तो तुलना एक पर ही होगी। तो क्रय मूल्य एक मानेंगे कब, जब भिन्नों में सॉल्व हो रहा है सवाल, और अगर क्रय मूल्य, अगर सवाल जो है वो परसेंटेज में सॉल्व हो रहा है तो क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, एक। तो विक्रय मूल्य का वो बता रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य यानी कि एक का यानी कि गुणा 5/8 है, अर्थात वही 5/8, ठीक है ना। तो एक का 5/8 यानी कि 5/8 ही निकल के आएगा। तो अब यहां से लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ क्या हो गया, लाभ यहां पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये विक्रय जो है वो एक से कम है, हर जो है वो अंश से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो यानी कि हानि हुई है, एक में खरीद रहा है और एक से कम में बेच रहा है, मतलब हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब कितने की हानि हुई है, क्रय में से विक्रय को माइनस कर दीजिए, एक में से 5/8 को माइनस करेंगे, 3/8 रुपए की उसको हानि हुई है। अब हानि का प्रतिशत निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य, तो हानि है 3/8, बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य यानी कि एक है, तो एक रखो या ना रखो एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए into 100, है ना, सिंपल। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, तो चलिए यहां से हम काटेंगे इसको, 4 दुनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 75/2 प्रतिशत की हानि हुई है, या इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 37 सही 1/2% की हानि। ओके, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पोस्ट करें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट चाहिए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है उनको ज्वाइन कर लें, तो आपको हमारी वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और ये यकीन मानिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी आएंगे, तो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो रेगुलर हमारा सेशन देखते रहिए,
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।